आज मैं अपनी वीडियो बताऊंगा कि आप प्रीसेट को की वैल्यू को कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए कि आपका ये प्रीसेट, आप इसकी वैल्यू कैसे चेक कर सकते हैं और आपको इसकी वैल्यू का पता ना हो तो आप क्या करते हैं, पहले आप रेगुलेटर को 200 ओम पे कर दीजिएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू चेक करने के लिए सबसे पहले आपके ये इसके तीन पोल होते हैं ना, ये तो सबसे पहले आप ये साइड पर, इन दोनों साइड पर लगाइएगा। देखिए इसकी वैल्यू शो नहीं कर रहा, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करिएगा, आप 2000 ओम पे करिएगा, तब ये शो नहीं कर रहा। अब आप क्या करते हैं, 20K पे करिएगा। देखिए 20K पे जैसे हम करते हैं तो ये आपकी इसकी शो वैल्यू कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे 10K का प्रीसेट है आपका। ठीक है, और अब आप देखिएगा यहाँ लगाइएगा, ये 5K आ गया, और ऐसे ही आप जब इधर लगाइएगा तो ये आपका 5K, यानी 5K आपका 10K, यानी कि आपका 10K का प्रीसेट है। इस तरीके से देखिए मैं आपको दूसरा प्रीसेट चेक कराता हूँ। ये देखिएगा, ठीक है, मान लीजिए इसकी वैल्यू हमें पता नहीं चल पा रही है, तो सबसे पहले मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आपके जो ये पोल होते हैं, ये और ये वाले पोल, इन पोल पर आप चेक करिएगा। ये देखिएगा, ये क्या यहाँ, और आपने ये लगाया, ये आपका बता रहा है 56, यानी कि इसकी सही वैल्यू पता नहीं चल पा रही है, तो इस आप अपने रेगुलेटर कर दीजिएगा, यहाँ पर कर दीजिएगा। ठीक है, आपने 200 के पे किया, अब इसके रेगुलेटर सही नहीं बता रहा, इसका मतलब ये आपका के में भी हो सकता है, तो आप इसे रेगुलेटर को 2000 पे कीजिएगा, ये आपका 560 ओम, यानी ये आपका जो प्रीसेट है वो आपका 560 ओम का प्रीसेट है ये जी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ अगर आप करते हैं तो इसकी आधी वैल्यू बताएगा, और यहाँ आप चेक करते हैं तो इसकी आधी वैल्यू बताएगा। अब देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है आपका कि आपके प्रीसेट की वैल्यू शिफ्ट हो जाती है या ओपन हो जाता है। देखिए जैसे मैं आपको ये प्रीसेट चेक करा रहा हूँ, ये आपका 102 यानी ये 1K का प्रीसेट है। ठीक है, अब आप इसे चेक करते हैं, ये देखिए आपका ये पोल रहा और इस पोल पर आप लगाते हैं, ये देखिए इसकी वैल्यू नहीं बता रहा है। अगर हम इसे ओम पे करते हैं और ये ओम पर भी इसकी वैल्यू नहीं बता रहा है, और 200K पर भी इसकी वैल्यू नहीं बता रहा है, और 2000K पर भी इसकी वैल्यू नहीं बता रहा है, इसका मतलब ये प्रीसेट जो क्या हो चुका है आपका, ओपन हो चुका है। इस प्रकार से आपका प्रीसेट ओपन भी जाती है। अब देखिए कभी कभी कुछ प्रीसेट की वैल्यू शिफ्ट भी हो जाती है, जैसे आपका ये प्रीसेट है आपका ये 200 ओम का प्रीसेट है। देखिए 200 ओम पे मैंने आपसे रेगुलेटर कर रखा है, अगर मैं इसकी वैल्यू चेक करूँगा तो ये वैल्यू देखिएगा ये नहीं बता रहा है। अब मैं 2000 ओम पे करता हूँ, ये देखिएगा 1000 यानी 1K से भी ऊपर आपका बता रहा है, ये 1027 बता रहा है, इसका मतलब इस वैल्यू इसकी प्रीसेट की वैल्यू शिफ्ट हो चुकी है। तो इस प्रकार से भी आपके प्रीसेट जो खराब हो जाए निकल जाते हैं, तो आप खराब प्रीसेट को इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। अब आप जैसे इस प्रीसेट को चेक करना चाह रहे हैं और आपने रेगुलेटर कर रखा है 200 ओम पर, तो अब आप क्या करिएगा, ये चेक करिएगा, ये आपने इस वाले पोल पे किया, इसकी वैल्यू शो नहीं की, इसका मतलब ये 200 ओम का प्रीसेट नहीं है, ज़्यादा का हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करिएगा, 2000 के पे करिएगा, ये 2000 पे की, यहाँ भी इसकी वैल्यू शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप रेगुलेटर को 20K पे कीजिएगा, ये 20K पे भी शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप रेगुलेटर को यहाँ करिएगा, ये देखिएगा इसकी वैल्यू शो कर रहा है, 93 बता रहा है, इसका मतलब ये आपका प्रीसेट जो होगा ये 100K का प्रीसेट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप अपने डिजिटल मीटर से प्रीसेट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए आप इस प्रीसेट को ये देखना चाहते हैं कि आपका प्रीसेट जो सही वेरिएशन यानी कि रेगुलेट कर रहा है, तो आप क्या करते हैं, एक प्रॉड आप इस वाले बीच वाले पोल पर लगा दीजिएगा और दूसरी पोल आप इधर वाले पर लगा दीजिएगा। ठीक है, और लगाने के बाद जो आप इसे पेच कस से आप ये धीरे धीरे घुमाइएगा, जैसे मैं इसे धीरे धीरे घुमाता हूँ तो इसकी वेरिएशन जो वैल्यू रेगुलेट होती है। अगर आपका ये ऐसा रेगुलेट प्रीसेट घुमाने से आपकी वैल्यू रेगुलेट हो रही है यानी कम बढ़ती हो रही है, तो इसका मतलब आपका जो प्रीसेट सही है। तो इस प्रकार आप प्रीसेट को भी टेस्टिंग कर सकते हैं।